हाउसवाइफ का डिप्रेशन क्या है उसके बारे में एक पेशेंट की स्टडी में आपको आज बताने वाला हूं। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। एक अप्रोक्सीमेटली 38 साल की लेडी मेरे पास में आई, हस्बैंड के साथ में आई। उसको यह था कि भाई नर्वस लगता है, सैड लगता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। काम करती है घर में, सब कुछ काम करेंगे, मगर बहुत धीरे 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 काम करेगी। बदन में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, सब तरह दर्द हो रहा है और कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो ऐसे इसमें जब उसने हस्बैंड में लाया तो भाई पूछ रहा हूँ मैं कि क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सभी टिपिकल डिप्रेशन के लक्षण उसमें दिखाई दिए। पहले ज्वाइंट फैमिली में थे, ज्वाइंट फैमिली में उसकी पटनी रही थी, सास के साथ में, ससुर के साथ में, और बाकी जो घर में और बाकी जो लोग थे ज्वाइंट फैमिली उनके साथ में उसकी पट नहीं रही थी। कुछ ना कुछ अनबन होती थी, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि चलो भाई अपन अकेले अलग हो जाते हैं, अपनी फैमिली अलग कर लेते हैं। एक लड़का है 10 साल का, तो वो लड़का बड़ा हो गया तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, वो अपना अपना पढ़ाई करना अपना देखता है। हस्बैंड जो है वो आर्किटेक्ट है, वो अपना काम में चले जाता है दिन भर, और ये लेडी जो है वो घर में अकेली है। तो ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम का, कि खाली हो गया घर, फिर उसके घर उसके दिमाग में फिर चालू जाते विचार। टीवी में जब मालिका देखते रहते हैं, सीरियल्स देखते रहते हैं, और सीरियल में जो भी देखते हैं वो अपने दिमाग में घुसते रहता है, सब नेगेटिव 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 बातें, और एक के पीछे एक एपिसोड आते रहते हैं, दिमाग के ऊपर जाते रहते हैं, और फिर उनमें उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चालू हो जाता है। उसको धीरे धीरे चालू हो गया डिप्रेशन के साथ में कि मैं तो कुछ काम की नहीं हूँ, मैं तो काम कर ही नहीं सकती, ये तो जबरदस्ती मैं खींच रही हूँ। अभी आजकल तो क्या मेरे हस्बैंड का भी मेरे तरफ ख्याल नहीं है, दिन भर बाहर रहता है, ज़्यादा बाहर ही क्यों रहता है, उसका कुछ बाहर लफड़ा तो नहीं है, वो तो मोबाइल फिर चेक करेंगी, फिर कभी किसका कोई फ़ोन लेडी का दिखा तो ये कौन है, क्या है, किसने फ़ोन किया, वो पूछेंगी। बोलता है कि नहीं भाई मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि कोई लेडी यदि फ़ोन करती है तो फ़ोन तो उठाएंगे ही भाई, ऐसा थोड़ी है कि कोई लेडी क्लाइंट्स नहीं है, तो वो तो बात करनी पड़ेगी, तो वो झगड़ा कर लेंगी, पोस्ट देखते जाएंगी, मोबाइल चेक करते जाएंगी, और कुछ ना कुछ फिर रात का उसका कार्यक्रम ही वही है कि भाई देखो और शक करते जाओ। उसको मालूम है कि अपन शक करे बराबर नहीं है, मगर फिर मैंने उनको ये बोला कि आपको बाकी अभी काम धंधा ही बचा नहीं है, एक बार हस्बैंड बाहर निकले, बच्चा स्कूल में गया, कि भाई घर में बैठो और आराम करो और कुछ तो भी काम करते जाओ और पूरा काम करो। मैंने बोला भाई आप पहले ये काम करो कि आप बिजी कैसे हो सकते हो, क्योंकि जो खाली दिमाग रहता है ना उसमें शैतान का, मतलब खाली जो दिमाग है वो शैतान का घर होता है ऐसा बोला जाता है। तो आप क्या कर सकते हो उसमें, देखो कुछ तो भी काम देखो जिसमें अपना मन, मतलब वहाँ थोड़ा इन्वॉल्व रहेगा, कुछ तो भी नया सीखो, नई कलाकारी, नया कौशल्य सीखो, हस्बैंड को मदद करो, कुछ ड्राइंग बनाओ, आर्किटेक्ट हस्बैंड है तो। और फिर दवाई भी मैंने दिया उसको कि भाई एंटी डिप्रेशन की ज़रूरत है, एंटी डिप्रेशन अपन लेंगे, क्योंकि दवाई उसमें दिख रहा था कि भाई क्लियर कट उसको डिप्रेशन भी है और उसके साथ साथ ये एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी है कि भाई घर में खाली बैठे तो चालू हो जाता कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो ये जब है तो हमको ये देखना है कि घर में जब औरतें खाली बैठती है, दिन में कुछ काम नहीं रहता है और फिर टीवी के सामने बैठे रहेंगी तो फिर दिमाग में बीमारी तैयार हो जाती है। तो मेरी सभी औरतों से ये रिक्वेस्ट है कि यदि बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े बच्चे होने के बाद में हस्बैंड यदि व्यवसाय में कुछ तो भी प्रोफेशन में दिन भर बाहर रहता है, तो आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी तैयार करते हैं, कुछ तो भी निर्माण करते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखते हैं, तो अपनी अपना नेशनल टाइम ओवर जो है, नेशनल टैलेंट, वो भी वेस्ट नहीं जाएगा, दिमाग भी अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपस में अच्छी बनी रहेगी, अपनी फैमिली भी अच्छी रहेंगी, और कोई बीमारी नहीं आएंगी तो एवरीबॉडी विल बी हैप्पी, और ये डिप्रेशन जैसी बीमारी भी नहीं आएंगी। तो खुद को बिजी रखना, कौन सा काम कर सकते हैं, कौन से काम से मैं लोगों के जीवन में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ या योगदान दे सकती हूँ, या कम से कम अपने आप को बिजी रख के अपना दिमाग अच्छा रख सकती हूँ, कम से कम वो देखना बहुत जरूरी है। उसको दवाई दिया, दवाई उसने लिया, उसके बाद में उसने कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर के बाद में फिर उसने ये देखा कि भाई अपने पति को आर्किटेक्चरल काम में उसके कैसी मदद कर सकते, कैसी ड्राइंग निकाल सकते, कंप्यूटराइज कैसे प्लान्स तैयार कर सकती है, और धीरे धीरे बोले कि मेरा तो डिप्रेशन कहाँ चले गया मालूम ही नहीं, और दवाई लेने की जरूरत भी अभी नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।